नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई और मैं हूं आपकी दोस्त खुशबू। लॉकडाउन के चक्कर में सभी सैलून और पार्लर बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में शेविंग अनचाहे बालों को हटाने का सबसे सुविधाजनक तरीका माना जा रहा है। अगर आप भी अपने पैरों को शेव करना चाहती हैं, मगर आपको डर है कि इससे वैक्सीन की तरह स्मूथनेस आएगी या नहीं, तो परेशान ना हो। घर पर शेविंग करते हुए कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, तभी आप साफ, सुंदर, चिकने और मुलायम पैर पा सकेंगी। तो आइए जानते हैं घर पर पैरों की शेविंग कैसे करें। सही रेजर का चुनाव करें। अच्छी और स्मूथ शेविंग तभी संभव है जब आपका रेजर ड्राई और रस्ट फ्री हो। अपने रेजर को साफ और सूखी जगह पर स्टोर करें और ब्लेड को नियमित रूप से बदलती रहें। अपने शरीर को एक्सफोलिएट करें। शेविंग से पहले त्वचा से डेड स्किन को साफ कर लें। यदि आप अपने शरीर को स्क्रब नहीं करेंगी, तो रेजर का ब्लेड सही प्रकार से ग्लाइड नहीं करेगा। पैरों को शेव करने से एक दिन पहले या ठीक उसी दिन स्क्रब करें। स्किन को गीला करें। यदि आप पहले ही एक्सफोलिएट कर चुकी हैं, तो शावर में या बाथटब में अपने पैरों को कुछ देर के लिए भिगोएं। ये शेविंग से पहले त्वचा को मुलायम बनाने में मदद करता है। शेव करने का सबसे अच्छा समय है जब आप नहा रही हो। शेविंग क्रीम का प्रयोग करें। शरीर के अनचाहे बालों को शेव करते समय क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास शेविंग क्रीम नहीं है, तो आप कोई सा भी बॉडी लोशन, यहाँ तक कि हेयर कंडीशनर का भी उपयोग कर सकती हैं। कंडीशनिंग लोशन से शेविंग प्रक्रिया के दौरान जलन नहीं होगी। हेयर ग्रोथ की विपरीत दिशा में शेव करें। अपने पैरों की हेयर ग्रोथ की उल्टी दिशा में शेव करें। इस दौरान छोटे स्ट्रोक लेना सबसे अच्छा होता है। अपनी एड़ियों से शुरू करें और ऊपर की ओर आएं। रेजर को धोएं। शेविंग करने के दौरान किसी मग या बाल्टी में गुनगुना पानी भरकर रखें। हर स्ट्रोक के बाद रेजर को पानी से धोएं, जिससे उसमें जमी गंदगी साफ हो सके। अगर पानी से रेजर साफ ना हो, तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। और लास्ट में पैरों को धोकर साफ करें। अपने पैरों को बहते हुए पानी के नीचे धो लें। अगर कहीं कोई स्पॉट छूट गया है, तो उसे दोबारा शेव कर सकती हैं। पैरों को धोने के बाद उन्हें सुखा लें और उसके बाद उस पर एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे आपके पैरों पर लाल चकत्ते नहीं दिखेंगे और पैर बिल्कुल शाइनी हो जाएंगे। तो ये था बॉडी पर शेविंग करने का सही तरीका। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी तरह की दूसरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।